नेटो क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम केला बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने दो कलर में ऊन लिया है और ये रुई ली है और कैंची और 10 नंबर की क्रोसी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पे दो चेन बना लेंगे, इसके बाद यहाँ हम एक दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच और एक छः, छः टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसे हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, गोल राउंड बना दिए। अब हम फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे इस वाले धागे को यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे हम फिर से 12 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक में दो टाइम बनाएंगे, एक चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक चेन में दो बार बनाएंगे। और फिर देखिए यहाँ हमने पूरा कर लिया, 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। फिर इस चेन के साथ में हम इसे स्लिप कर देंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर इस धागे को हम यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ यहाँ सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में भी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए चारों तरफ यहाँ तक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। चलिए यहाँ हम देखिए तीसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा लाइन में देखिए यहाँ सेम जगह पे हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी पहले इस धागे को यहाँ पे रखेंगे ताकि एक लाइन पता चले। और देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें एक टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाले चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे सेम चेन में दो टाइम और फिर इसमें एक टाइम, एक फिर इसमें दो टाइम, इस तरीके से इस लाइन में हम टोटल 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा चेन में फिर से हम दो टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ दो बना लिए, इसमें एक और फिर इसमें दो टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए टोटल इसमें 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, फिर इसमें दो, फिर यहाँ एक और फिर दो और फिर यहाँ देखिए इस वाले से हम इसे स्लिप कर देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर सभी चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ इस धागे को इस इधर कर लेंगे, फिर यहाँ से हम सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इस लाइन में भी टोटल 18 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे यहाँ पे स्लिप कर देंगे और एक चेन लेंगे और फिर इसको देखिए इसी लाइन को, अब जैसे चारों तरफ हमने 18 सिंगल क्रोशिया बना लिए, अब 18 सिंगल क्रोशिया 8 लाइन और बनाएंगे। सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 8 लाइन बना लेंगे। देखिए
टोटल 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे हर लाइन में, और टोटल 8 लाइन बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 8 लाइन 18 सिंगल क्रोशिया चारों तरफ बना लिए। ये देखिए टोटल यहाँ पे हमने शुरू से यहाँ तक हमने टोटल 13 लाइन बनाए। अब हम इसमें देखिए 8 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और नवा चेन में हम एक चेन में देखिए सेम जगह पे एक और बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक सभी चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल क्रोशिया सभी चेन में एक एक टाइम। अब हम यहाँ पे इस चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जगह पे 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ अब हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ इस चेन के साथ में हम इसे स्लिप करेंगे, तो इस धागे को लेंगे और फिर यहाँ इसे स्लिप करेंगे ऐसे, फिर यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और फिर सभी चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, यानी कि टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम यहाँ तक 18 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर इस लाइन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बढ़ा दिए तो टोटल 20 हो गए। अब हम इस धागे से टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए सभी चेन में हम एक एक टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पे फिर से बंद कर देंगे, स्लिप कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सभी चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस सभी के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ से टोटल 10 लाइन हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पीले रंग से, सभी के ऊपर 20 सिंगल क्रोशिया चारों तरफ मिला के 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 10 लाइन हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पीले रंग से भी 10 लाइन बना लिए, 10 लाइन टोटल 20 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 का 1 बनाएंगे, देखिए 1 निकाले फिर 1, 2 फंदे निकाल के इन सबको एक साथ गिराएंगे, इससे 2 का 1 बन गए। फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल क्रोशिया बन गए सभी में एक एक टाइम। अब हम फिर से यहाँ 2 का 1 बनाएंगे, ये देखिए, और फिर यहाँ उसे स्लिप करेंगे।
फिर से एक चेन बनाएंगे और अब हम देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक दो का एक करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो का एक करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो सिंगल क्रोशिया का एक बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सभी में एक 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 चेन में एक टाइम और एक चेन में दो टाइम दो का एक करेंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर एक और फिर से यहाँ दो का एक करेंगे। फिर यहाँ एक बनाएंगे। अब हम यहाँ इसमें रुई डालेंगे। देखिए इसमें रुई डाल के यहाँ तक भरेंगे। देखिए इसमें हम सभी में रुआ भर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह, बारह टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर देखिए एक का दो करेंगे। यहाँ पर भी हम एक चेन बना लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ सभी को हम एक का दो करेंगे। टोटल बारह सिंगल क्रोशिया है इस लाइन में। अब हम छः सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सभी में हम दो का एक करेंगे। इसी तरीके से हम चारों तरफ दो का एक करते जाएंगे। देखिए पूरा बंद हो गए। और अब हम इस धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है ला, देखिए अब हम इस धागे को अंदर लेंगे। इस तरीके से इसे अंदर कर देंगे। और यहाँ करके हम इसे कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड अब हम छिलका बनेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम अब इसका छिलका बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे हम देखिए ये वाले लाइन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से एक फंदा निकालेंगे और यहाँ एक चेन बनाएंगे और फिर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ हम 13 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बनाएंगे और एक चेन ऊपर से छोड़ के दूसरा चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 12 टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और आगे वाले चेन में देखिए इसमें हम फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4 चार टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और फिर से 13 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बना लिए और फिर हम इन सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 12 टाइम, ये देखिए यहाँ तक टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए आगे वाले सिंगल क्रोशिया में इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4 चार टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बनाएंगे और फिर से 1 2 3 इसी तरीके से फिर 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सभी चेन में एक एक टाइम। देखिए फिर आगे में हम इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4 फिर से हम चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के इन सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 12 टाइम, 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ भी हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए, अब इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और आगे फिर से हम यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ 1 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया के साथ में हम इसे स्लिप कर देंगे, ऐसे फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले और इन सभी चेन में हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक और एक, दो टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फिर से दो टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ और फिर यहाँ नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम दो टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक दो, फिर यहाँ दो टाइम हाफ डबल क्रोशिया, एक दो, दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नौ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ एक चेन छोड़ के दूसरा चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे यहाँ और फिर यहाँ फिर से हम नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें नौ डबल क्रोशिया, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ दो सिंगल क्रोशिया, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर नौ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम इसमें और इसमें भी बना लेंगे, देखिए दो बन गए और दो में और बना लेंगे सेम तरीके से, देखिए फ्रेंड हमने इन चारों में देखिए डिजाइन बना लिए सभी में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ इसे स्लिप स्टिच बना देंगे और फिर इस धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक केला बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से, ये इसका छिलका है। तो फ्रेंड्स एक और बनाया है हमने, ये देखिए, देखिए एक खूबसूरत सा केला बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।